अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हालात हाजरा के प्रोग्राम हकीकत ये है में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस किसी ने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हालात हाजरा की तरफ। हिंदुस्तान सरकार ने हिंदुस्तान की 13 नदियों को फिर से हरा भरा करने के लिए 19,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस यानी एलोकेट की है। इस रकम से उन दरियाओं के आसपास नए पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन दरियाओं में यमुना, कृष्णा, कावेरी, महानदी और ब्रह्मपुत्रा भी आ जाते हैं। हमने अपने नाजरीन को हिंदुस्तान के LCA या लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के मुतालिक तफसील से अपने 13 मार्च के एपिसोड में समझाया था, जिसे तेजस नाम दिया गया है। वो जहाज़ न सिर्फ हिंदुस्तान की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है बल्कि यहाँ से बरामद भी किया जाता है। अब हिंदुस्तान ने एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए फ़िलहाल 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं। इस लड़ाकू जहाज़ में 2 इंजन होंगे और उम्मीद है कि 2025 या 26 तक ये जहाज़ बनकर तैयार हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, सुनने में आया है कि उस पर वोटिंग 28 मार्च को होगी और PTI वालों ने धमकी दी है कि 27 मार्च को उनका एक जलसा होगा जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि PTI या उसकी इत्तेहादी सरकार के जो भी मेंबरान हैं, वो PTI के वर्कर उनको नेशनल असेंबली तक जाने ही नहीं देंगे। लगता है कि इमरान खान को जबूरत के माने ही मालूम नहीं। वोट देना या न देना, या अगर देना, ये सब कुछ हर एक मेंबर का बुनियादी हक है। कोई भी उनको ऐसी धमकियां नहीं दे सकता। ये तो सीधा साधा मुल्क को खाना जंगी में झोंकने वाली बात हो गई। हाँ, अगर डिफेक्शन की बात है तो ये स्पीकर का हक है, वो मामले की जांच करके उसका मौजून फैसला कर सकता है, लेकिन कोई पार्टी किसी भी मेंबर को मजबूर नहीं कर सकती कि वो वोट दे या न दे। उधर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलवी फजलुर रहमान ने भी धमकी आमेज लहजे में कहा है कि वो भी उस रोज़ मार्च करेंगे और अगर सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 23 मार्च से उसके मेंबरान धरना देकर बैठेंगे और जब तक 28 मार्च को वोटिंग पूरी नहीं हो जाती वो नहीं हटेंगे। अब अगर इसमें मुकाबले की सूरत हाल पैदा होती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। ऐसा बयान मौलाना ने हिजब इख्तलाफ के लीडरान जैसा कि आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, सरदार अख्तर मेंगल, अमीर हैदर होती और मोहसिन डावर से मिलने के बाद जारी किया। इस दौरान एक और डेवलपमेंट भी हुई है, जिसमें नून लीग के रहनुमा और PTI के रूठे हुए लीडर जहांगीर तरीन के साथी आपस में मिले और इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तानी पंजाब में हुकूमत की तब्दीली अशद ज़रूरी है और इसलिए उस्मान बुज़दार की हुकूमत को तो दरवाज़े का रास्ता दिखाना ही है। इस ज़मन में जहांगीर तरीन ग्रुप के लीडर ओम चौधरी से हमजा शहबाज और चौधरी शुजात हुसैन मिले और मुल्क की फ्लूइड सिचुएशन के बारे में गुफ्तगू की। अब इमरान खान को अपनी इत्तेहादी सरकार के मेंबरान से खौफ आने लगा है। चंद रोज़ से उसके आदमी जैसा कि असद उमर या शेख रशीद, जो कि वफाकी वज़ीर हैं,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को चंद ज़िलों की पार्टी कहा है, अब इमरान खान ने सबको मना किया है कि किसी भी पॉलिटिकल अलाय को बुरा भला नहीं कहा जाए, क्योंकि 28 मार्च को नो ट्रस्ट वोट पर वोटिंग होनी है और वो नहीं चाहते कि उसकी इत्तेहादी सरकार के लोगों को मुखालिफ पार्टी की साइड लेने का बहाना मिल जाए। पाकिस्तान में महंगाई है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। अब सरकार ने यूरिया का भाव 80 रुपए फ़ी बोरी बढ़ाकर 1900 रुपए फ़ी बोरी कर दिया है, और जाहिर है जब खेती बाड़ी में लागत ज़्यादा लगेगी तो पैदावार भी उसी हिसाब से महंगी हो जाएगी। अब देखें गंदम का क्या भाव निकलता है। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा आज का हालात हाजरा का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है, लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम नाज़रीन को, अपने तमाम भाइयों और बहनों को ये अर्ज़ करूँगा कि बराए मेहरबानी जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।